हेलो गाइस, स्वागत आपका एक नए ब्लॉग पे। तो अभी हम जा रहे हैं सहरसा एंड काम कुछ हुआ कि इसका एग्ज़ाम है। आप ही जी बाबू जाना घाट का, और ये अभी हमें बाबू जाना घाट पे तो बाइक से चल दिए हैं। इसका एग्ज़ाम है बीएस कॉलेज, हम लोग का वहाँ पर मैट्रिक का हुआ था। इसका मौलवी का है ना, हाँ, तो मौलवी का एग्ज़ाम हम लोग का मैट्रिक का हुआ था। आज से 3 साल पहले हुआ था हम लोग का मैट्रिक। अभी जा रहे हैं फिलहाल एंड आपको पूरा शुरू से अंतिम तक बने रहना ब्लॉग पे। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बने रहना ब्लॉग में, अंतिम तक आपको ले जाएंगे, पूरा कॉलेज तक दिखाएंगे एकदम अच्छे तरीके से। अभी हम लोग के साथ बहुत उल्टा पुल्टा हो रहा है। इधर जाना था हमको, इधर आगे रोड का काम चल रहा है जिसके वजह से हम लोग को घूर के अंदर नहीं जाना पड़ा। इधर बाइकट है, इस दिन जाकर उधर बाहर हाईवे पर निकलेंगे। और ये है नहर, नहर के दिन हम लोग को जाना पड़ा। हाँ, नहर पकड़ के शहर जाएंगे और शहर का नाम है सहरसा। कुछ भी और हम लोग फंस गए और बुरी तरीका से। आगे में देख लीजिए, बहुत बुरी हालत। एक तो कम से कम 5-6 किलोमीटर से रोड इतना ख़राब है, पूरे खराब ही खराब है। आज भी बिहार में लाखों लोग एक्सीडेंट के वजह से अपने जान गंवा देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द बिहार को बुलंदियों पर पहुंचाइए। इधर से बहुत लोग आ रहे हैं, इधर रास्ता है, अभी जाना है हम लोग को। इधर सहरसा इधर है, रोड देख लीजिए पूरा ख़राब है। हाईवे पर अभी काम चल रहा है, इसी वजह से हम लोग को इस दिन ही जाना पड़ रहा। ओ भाई चलिए, तो ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। हम लोग के साथ तो बुरा हो रहा है, तो आप बने रहें। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से एंड हम लोग सही लोकेशन पर चेक करते हुए जा रहे हैं। किसी पर सहरसा बस्ती में इन कर रहे हैं। ओके, तो एकदम अच्छे तरीके से जा रहे हैं, कहीं से भी कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। तो हम लोग मेन हाईवे पर पहुंच चुके हैं सहरसा जो है ना, ये यहाँ पर पहुंच चुके अच्छी तरीके से। बस हम लोग अब कुछ ही दूर हैं अपने कॉलेज के, तो कॉलेज भी जैसे जाएंगे वैसे आप लोग को वहाँ पर मिलाएंगे। तो आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहिए एंड लाइक करते रहिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग मेन हाईवे पर पहुँच चुके हैं, यहाँ से बस 2 किलोमीटर होगा हम लोग का कॉलेज। और इस बार जो हम लोग का 10th का एग्ज़ाम इधर हुआ था, ये कॉलेज हम लोग का हुआ था यहाँ पर। 12th का एग्ज़ाम हुआ था यहाँ, इवनिंग कॉलेज है। और इधर सीधे आगे में बनवाल शंकर सिमराहा कॉलेज जो है, बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, वहाँ पर आप लोग को अच्छे तरीके से देखें। तो फाइनली हम लोग कॉलेज पहुँच चुके हैं जहाँ हम लोग का 10th का हुआ था आज से 3 साल पहले। ये रहा बीएस कॉलेज सहरसा में ये, और कुछ लोग का फर्स्ट सीटिंग जिसका एग्ज़ाम है वो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं इधर से। और आगे वहाँ गेट है, तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर सब लोग एग्ज़ाम देने के लिए पहुँच चुके हैं बहुत सारे लोग। और कुछ लोग घर के ओर जा रहे होंगे जिसका एग्ज़ाम हो गया होगा। ये रहा मेन कॉलेज। हम लोग इधर किसी अच्छी जगह पर अभी गाड़ी को पार्किंग करेंगे, उसके बाद अंदर बाहर करेंगे। ये बहुत लोग एग्ज़ाम दे के यहाँ रुके हुए हैं। तो हेलो, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे आज लगभग 1.5-2 घंटा पहले, उसके बाद मैं अभी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अकेला बैठा बोर हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा। तो एक्चुअली वो मेरे साथ वाले था, वो पहुँच चुके हैं अंदर एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो फिर मुझे यहाँ से अभी टाइम लगेगा, अभी यहाँ पर 3 बजे लगभग, तो अभी लगभग 1.5 घंटा यहाँ पर मुझे और वेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जब वो एग्ज़ाम देकर आएंगे तो फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे। तो बैठे बैठे हम बोर हो चुके हैं, इसलिए सोचिए यार कुछ नहीं, चलो ब्लॉगिंग ही स्टार्ट कर देते हैं। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है, तो ब्लॉग का यहाँ एंड करते हैं एंड ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये है कॉलेज जो है,
तो कैसा लगा व्लॉग ये कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अब हम लोग चलेंगे फिर वापस, एक डेढ़ घंटा में रिटर्न होंगे अपने घर की तरफ। तो पेज पर पहली बार हो तो फॉलो कर लो पेज को, बहुत ज़्यादा यहाँ पर व्लॉग आपको डेली मिलेंगे, तो इसलिए फॉलो ज़रूर कर लेना। एंड मिलेंगे अगले व्लॉग में।